वेलकम बैक टू द चैनल सोएब स्टाइल ब्लॉग। दोस्तों आज की एक न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं टॉप 3 अपकमिंग बाइकों के बारे में। ये टॉपिक आप सभी लोगों का फेवरेट है, बिकॉज कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो बहुत सारी कमेंटें आती हैं कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 2022 में कौन सी अपकमिंग बाइक आने वाली है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं टॉप 3 मोस्ट अवेटेड अपकमिंग बाइकों के बारे में, जो कि आपको इंडियन टू व्हीलर मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में 2022 के अंदर कौन सी बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट बाइक रहती है यामा की तरफ से MT-03। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में ये बाइक जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, बिकॉज यामा ने अभी इस बाइक के अंदर मेजर चेंज कर दिए हैं, जो कि आपको इंडियन टू व्हीलर मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। बाइक के अंदर आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या प्राइस देखने को मिलेंगे, क्या बाइक के इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च डेट देखने को मिलेगी, वो सारे डिटेल इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें बाइक के इंजन के बारे में। इस बाइक के अंदर आपको जो इंजन पावर देखने को मिलेगी बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। इसमें आपको 321cc का 2-सिलेंडर लिक्विड कूल 4-स्टॉक DOHC 4-वॉल्व फ्यूल इंजेक्शन इंजन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 42 HP की पावर देखने को मिलेगी, 29.6 का न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर आपको 6 गियर स्पीड बॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेंगे। इस बाइक के अंदर आपको वेट मल्टीपल डिस्क क्लच देखने को मिलेगा। बाइक के इंजन में आपको काफ़ी ज़्यादा रिफाइनमेंट देखने को मिलेगी। ऑलरेडी आपको पता ही है कि यामा के इंजन में आपको बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट देखने को मिलती है। एंड दोस्तों बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। इसमें आपको 37mm के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक देखने को मिलेंगे। बाइक के रियर पार्ट में आपको मोनोशॉक 7-स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोडेड सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। बाइक ये आपको डायमंड फ्रेम पर देखने को मिलेगी। इस बाइक के अंदर आपको सीट हाइट देखने को मिलेगी 780mm की, 160mm का ग्राउंड क्लियरेंस, एंड बाइक के अंदर आपको 168kg का कर्व वेट, 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट कंसोल क्लस्टर देखने को मिलेगा फ्रंट में, जो कि आपको डिफरेंट टाइप का देखने को मिलेगा इस बार आपको इंडियन टू व्हीलर मार्केट में, मतलब इंडियन वर्जन में। और इसके अंदर आपको सारे बेसिक रिमाइंडर फीचर देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपको देखने को मिलते हैं, लाइक फ्यूल वॉच, क्लॉक, ABS लाइट, TV, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, सारे फीचर देखने को मिलेंगे बेसिक रिमाइंडर। ओके दोस्तों, वहीं बात करें बाइक की लाइटिंग के बारे में। इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट में BI फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेगी विद LED टेल लाइट के साथ। बाइक के अंदर आपको फुल्ली इंडिकेटर जो है LED देखने को मिलेंगे इंडियन वर्जन में। बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छे कंफर्ट फीचर भी देखने को मिल जाएंगे। ब्रेक एंड टायर के बारे में बात करें, इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट ब्रेक हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क ब्रेक 298mm के, और रियर ब्रेक आपको 220mm के हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क ब्रेक, जो कि आपको डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ देखने को मिल जाएंगे। इस बाइक का फ्रंट टायर आपको 110x70 का देखने को मिलेगा, एंड रियर टायर आपको 140x70 का। ये दोनों ही टायर आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे अलॉय व्हील के साथ। दोस्तों काफी अच्छे आपको वाइड टायर सेक्शन भी देखने को मिल जाएंगे। बाइक के अंदर आपको 25-30 किलोमीटर पर लीटर का अप्रॉक्सीमेट माइलेज भी देखने को मिल जाएगा। इतनी पावर के साथ आपको इतना माइलेज बहुत ही कम बाइक प्रोवाइड कराती हैं। दोस्तों बाइक के अंदर आपको कलर ऑप्शन भी काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे, लाइक MT-15V2 का जो कलर आइस फ्लू वर्मिलन वो भी देखने को मिलेगा, एंड आइकन ब्लू एंड मिडनाइट ब्लॉक, आपको ये 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे इस बाइक के अंदर। प्राइस के बारे में बात करें, इस बाइक के प्राइस आपको एक्सरूम 3 लाख के आसपास देखने को मिलेंगे, आई मीन 3,20,000 के आसपास ये बाइक आपको एक्स रूम पड़ने वाली है। और ऑन रोड आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, बिकॉज हर डिस्ट्रिक्ट के जो प्राइस होते हैं ऑन रोड के वो डिफरेंट होते हैं। तो दोस्तों अगर आप कोई 300cc के आसपास कोई भी, या फिर 350cc के आसपास कोई भी नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक परचेस करना चाहते हैं लाइक यामा की, तो आपके लिए MT-03 काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन रह सकता है। लिटरली आप इसका वेट कर सकते हैं। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में ये बाइक आपको 2022 के लास्ट में देखने को मिल जाएगी। यामा इस बाइक को ऑफिशियली लॉन्च कर देगा इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। ओके दोस्तों बात करते हैं इस लिस्ट की सेकंड बाइक के बारे में। ये रहने वाली है दोस्तों जॉन्टस की तरफ से GK-350। एक रेट्रो कैफे स्टाइल सेगमेंट की बाइक है, नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट भी मान सकते हैं। बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में जल्दी ही आने वाली है, और एक डिफरेंट कलर स्कीम के साथ और डिफरेंट लुक के साथ ये इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बाइक लॉन्च होने वाली है। बिकॉज मैं आपको बता दूं, जॉन्टस 300cc की एक बाइक और इंडियन टू व्हीलर मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च कर दिए जॉन्टस ने, बट अभी GK-350 नहीं आई है। इसको कब लॉन्च करने वाली है, क्या बाइक के अंदर आपको फीचर देखने को मिलेंगे, सारी डिटेल देने वाले हैं। साथ ही बाइक के अंदर आपको क्या प्राइस देखने को मिलेंगे, दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको 348cc का 4-स्टॉक सिंगल सिलेंडर DOHC लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम पावर 40 BHP की रहने वाली है, और 33 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा विद 6 गियर स्पीड बॉक्स ट्रांसमिशन के साथ। इस बाइक के अंदर आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी देखने को मिलेगा। बाइक के फ्रंट सस्पेंशन 43mm के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक देखने को मिलेंगे, एंड बाइक के रियर पार्ट में आपको प्रीलोडेड मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे। बाइक के अंदर आपको 795mm की सीट हाइट देखने को मिलेगी,
मिलेगी, 7 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगी, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड बाइक के अंदर आपको 188 kg का कब वेट देखने को मिल जाएगा। इस बाइक के अंदर आपको फुल्ली न्यूली डिजाइन इंस्ट्रूमेंट कंसोल क्लस्टर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको सारे बेसिक रिमाइंडर फीचर देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों बाइक के अंदर आपको काफी सारे राइडिंग मोड्स भी देखने को मिलेंगे, जिसके बटन आपको हैंडल बार पर देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं बाइक को। बाइक के अंदर आपको काफी अच्छे वाइड टायर सेक्शन देखने को मिलेंगे। इस बाइक का फ्रंट टायर आपको 120x70 का देखने को मिलेगा, रियर टायर आपको 160x60 का देखने को मिलेगा, जो कि आपको दोनों ही टायर 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ रेडियली बिग ब्लॉक पैटर्न के साथ देखने को मिलेंगे। इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा। बाइक के फ्रंट ब्रेक 320 mm के फ्रंट डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, जो कि आपको रेडियली 4 पिस्टन कैलिपर के साथ देखने को मिलेंगे। इस बाइक के अंदर आपको रियर ब्रेक देखने को मिलेंगे 265 mm के डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, जो कि आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से सेफ्टी का काफी ख्याल रखा गया है जॉन्टस की तरफ से। बाइक के अंदर आपको वाइड टायर होने की वजह से काफी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड कराएगी और एक्सेलरेशन में आपको बहुत ही अच्छी स्मूथनेस फील होने वाली है, बिकॉज सस्पेंशन भी आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। बाइक के अंदर आपको लाइटिंग सेटअप फुल्ली आपको एलईडी देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको राउंड शेप में एलईडी हेडलाइट देखने को मिलेगी विद एलईडी डीआरएल्स, राउंड शेप में ही देखने को मिलने वाली है आपको। बाइक के अंदर टेल सेक्शन भी आपको एलईडी ही देखने को मिलेगा विद एलईडी इंडिकेटर के साथ। जो राउंड शेप में आपको एलईडी देखने को मिलेगी ना, वो आपको डिफरेंट ही देखने को मिलने वाली है दोस्तों। ये जो चीज है बाइक को एकदम डिफरेंट लुक प्रोवाइड कराती है। बाइक के अंदर आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल क्लस्टर देखने को मिलेगा, जिसके सारे बेसिक रिमाइंडर फीचर देखने को मिलेंगे विदाउट फ्रंट में विंड वाइजर के। बाइक के अंदर आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर आपको न्यूली डिजाइन काफी शार्प इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। वहीं रियर सेक्शन में आपको टेल सेक्शन भी काफी कॉम्पैक्ट देखने को मिलेगा, सिंगल सीट देखने को मिलेगी। बाइक के बटन में आपको लाइटिंग सेटअप भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर। बाइक की जो फ्रंट की लाइट है ना, वो बाइक को बिल्कुल डिफरेंट बना देगी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में दोस्तों। लिटरली इस बाइक का वेट कर सकते हैं अगर आप कोई 350cc की रेट्रो कैफे स्टाइल की बाइक परचेस करना चाहते हैं। आपके लिए जॉन्टस जी के 350 काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन रह सकता है, बिकॉज काफ़ी अच्छा लुक आपको देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर आपको 3 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, अभी वो जॉन्टस की तरफ से ऑफिशियली रिवील नहीं हुए हैं, तो ये भी कंफर्म नहीं है, बट आपको 3 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। बाइक के प्राइस आपको इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 3 लाख के आसपास देखने को मिलेंगे एक्स शोरूम, और ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में आपको नवंबर या फिर दिसंबर के मंथ में देखने को मिल जाएगी दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बाइक है, आप इसका वेट कर सकते हैं। एंड बाइक के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल दी, अगर आपका कोई भी डाउट हो जॉन्टस जी के 350 से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं इस लिस्ट की 3rd बाइक के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इस बाइक के लोग वेट कर रहे हैं, जो कि रहने वाली है यामा की तरफ से FGS V4। V4 आपको पता ही है कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट में फेजर के नाम से ब्राज़ील में ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में कब आने वाली है, क्या बाइक के अंदर आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्या न्यू चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या डिट्टो कॉपी बिल्कुल ब्राज़ील वाली ही इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है, या फिर उसके अंदर आपको न्यू चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो सारे डिटेल इसी वीडियो के अंदर देने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले तो बता दें, बाइक के अंदर आपको जो लुक है वो लगभग आपको ब्राज़ील वाले लुक के ही सिमिलर देखने को मिलेगा, बिकॉज आपको पता ही है कि आपको इंडियन टू व्हीलर मार्केट में यामा जो है बहुत जल्दी अपनी बाइकों को अपग्रेड करता रहता है, तो FGS V4 का थोड़ा बहुत लुक जो है ब्राज़ील वाली बाइक से ही सिमिलर देखने को मिलेगा। बट बाइक के अंदर आपको मेन चेंज देखने को मिलेगा, इसमें आपको इंजन में 2 वॉल्व देखने को मिलता था, बट इस बार आपको 4 वॉल्व इंजन देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर आपको एलईडी हेडलाइट देखने को मिलेगी, प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद एलईडी डीआरएस के साथ डे टाइम रनिंग। बाइक के अंदर आपको टेल सेक्शन फुल्ली आपको एलईडी देखने को मिलेगा, जो कि आपको MT15 V2 के अंदर देखने को मिलता था। बाइक के अंदर आपको फ्रंट एंड रियर दोनों ही आपको इंडिकेटर जो है काफी शार्प एलईडी सेटअप के साथ देखने को मिलेंगे, इंडिकेटर भी। बाइक के अंदर आपको मीटर कंसोल न्यूली डिजाइन इंस्ट्रूमेंट कंसोल क्लस्टर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको सारे बेसिक रिमाइंडर फीचर देखने को मिलेंगे, बट आपको ओल्ड मॉडल वाले वर्जन से इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल क्लस्टर थोड़ा वाइड देखने को मिलेगा। उसके अंदर आपको सारे बेसिक रिमाइंडर फीचर देखने को मिलेंगे विद मोबाइल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। इस बाइक के अंदर आपको काफी अच्छी इंजन पावर देखने को मिलने वाली है, इसमें आपको 149cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा, जो कि आपको ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। 4 वॉल्व देखने को मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम पावर आपको 15 PS की देखने को मिलेगी, 14 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा विद 5-स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन ही देखने को मिलने वाले हैं इस बाइक के अंदर आपको। ओके दोस्तों, फ्रंट टायर बाइक का आपको 100 सेक्शन का देखने को मिलेगा एंड रियर टायर आपको 140x60 सेक्शन का देखने को मिलेगा। इस बाइक के अंदर आपको 2 मॉडल देखने को मिलेंगे, स्टैंडर्ड मॉडल और टॉप मॉडल, जिसमें आपको सिंगल चैनल और ABS और डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा।
जो डिफरेंट रहने वाला है, सिर्फ डुअल चैनल ABS का और सिंगल चैनल ABS का रहने वाला है, जिसके प्राइस भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। इस बाइक के अंदर आपको जो मेजर चेंजेस देखने को मिलेगा, बाइक का लुक जो है थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया ओल्ड वर्जन से, एंड बाइक के अंदर आपको कलर स्कीम ग्राफिक्स थोड़े डिफरेंट देखने को मिलेंगे। साइड पैनल भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। बाइक के अंदर आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलेगी कलर स्कीम के साथ, एंड बाइक के फ्रंट में आपको एक छोटा सा विंड वाइजर भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आप ऑफिशियल वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे। एग्जॉस्ट आपको डुअल टोन कलर स्कीम के साथ देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। साथ ही आपको कॉम्पैक्ट टेल सेक्शन देखने को मिलेगा, एंड फ्रंट में आपको हेडलाइट जो देखने को मिलेगी वो बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलने वाली है। FGS 250 से थोड़ी सिमिलर देखने को मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड बाइक के अंदर आपको काफी अच्छे साइड पैनल ग्राफिक्स कलर स्कीम देखने को मिलने वाली है। ग्रैब रेल भी बाइक के अंदर आपको काफी अच्छी देखने को मिली है, और जो फ्रंट में कॉल है वो भी आपको देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों बात करें बाइक के प्राइस के बारे में, इंडियन टू व्हीलर मार्केट में इस बाइक के प्राइस जो ओल्ड मॉडल था उससे आपको 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे, एंड आपको डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम वाले मॉडल में आपको थोड़े से प्राइस और इंक्रीज देखने को मिल सकते हैं। वो अभी रिवील नहीं हुए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट ये बाइक कब लॉन्च होने वाली है ये मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में ये बाइक नवंबर या फिर दिसंबर के मंथ में यामा ऑफिशियली लॉन्च कर देगा इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। दोस्तों लिटरली आप इस बाइक का वेट कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे हैं कि भाई क्या क्या चेंजेस आएगा ब्राज़ील वाले मॉडल से। तो दोस्तों अब ये तो कंफर्म जब ही होगा जब बाइक लॉन्च होगी, बाकी मैंने आपको अपडेट दे दिए सारी। इस बाइक का आप लिटरली वेट कर सकते हैं, अगर आपको 150 सीसी की बाइक का वेट कर रहे हैं यामा की, तो दोस्तों ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। अगर आप कोई नहीं वेट कर सकते तो आपके लिए बहुत सारे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि TVS Apache RTR 164 भी, TVS की रोनिन, हीरो एक्सट्रीम एंड बजाज पल्सर N160 को भी आप परचेस कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन जो है अवेलेबल हैं, बट आपको जो यामा के इंजन में रिफाइनमेंट देखने को मिलती है वो किसी के अंदर लगभग आपको नहीं देखने को मिलेगी, इस वजह से आप वेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यही वीडियो थी, तीनों बाइकों के बारे में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आपका कोई भी डाउट हो तीनों बाइकों से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस मिलते हैं आपसे अगली और एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।